इनडायरेक्ट प्लानिंग, ठीक है ना, क्या प्लानिंग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्लानिंग। तो इसमें यह है, कल जो कराया था हमने तो उसका शेष भाग है, कल जो है पूरी पिक्चर नहीं बन सके थी, वो बहुत लंबी हो जाती, पिछली दो भागों में से करा है, तीन भागों में, तो इसका थर्ड भाग है ये। तो वहां से चलते आगे, हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को, सबसे बाद में क्या पढ़ाया था, बुड कुड सुड मस्ट माइट आउट, शब्दों वाले वाक्य भी नो चेंज होते हैं। तो इसके बाद बचता हमारा एक टेंस बच गया, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो हम क्या करेंगे फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना, टेंस का तो हम कर सकते हैं सुड, क्या कर सकते हैं, ये कब करेंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कायम होगी पास्ट टेंस में होगी, यानी कि पहला जो टेंस है आपका अगर वो पास्ट में हो, ठीक है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जब बनाएंगे वो फ्यूचर टेंस में, तो सेल का सुड कर देंगे जब डायरेक्ट हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ऐसे ही विल का वुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, कैन का क्या हो जाएगा कुड, और मे का जो हो जाएगा माइंड, ठीक है ना। जैसे मैंने ओल्ड टेंस बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस को कायम बदलेंगे प्रेजेंट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कायम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ठीक वैसे ही फ्यूचर टेंस में क्या होगा, अगर ये शब्द है फ्यूचर टेंस में तो इसे ये बदल देंगे, शैल का सुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइंड। वो बदलते कैसे हम वो चीजें हमें देखनी है, ठीक है ना। जैसे हमारा टेंस ये है, ही सेड, वो सेड, कोमा इनवर्टेड कोमा, सीता विल गो टू आगरा टुडे, फुल स्टॉप कोमा क्लोज। ध्यान दो, मैंने टेंस कल भी ऐसा लिखा था परसों, तो इसमें क्या था, से लिखा था मैंने, तो से का मतलब सेज लिखा था, तो सेज लिखने का मतलब प्रेजेंट में था टेंस, लेकिन सैड, से की सेकंड फॉर्म क्या है, सैड है, तो ये आपका टेंस कहां आ गया, पास्ट में आ गया, क्योंकि पास्ट में आ गया तो आपका टेंस चेंज होना है, तो चेंज करने के लिए सब मिल गया है, तो क्या करेंगे हम उसमें, ही सैड, दैट कंजक्शन लगा दिया हमने, सीता विल का क्या हो जाएगा वुड, गो टू आगरा टुडे क्या हो जाएगा दैट। इस तरह का टेंस मैंने पहले भी दिया था आप लोगों को, ध्यान होगा जो पहली फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें विल का मिल रहा था, हैं, इसमें विल का बुट कर दिया, ऐसा क्यों किया, इसलिए क्या कि पहले जो टेंस था हमारा प्रेजेंट में था, प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज होता है, और जब हमारी पास्ट में होती है तो चेंज होता है, और चेंज होने के नियम मैंने आपको जितने पहली वीडियो में लिखा दिए जो चेंज बचे थे उसमें लिखाई। दूसरा टेंस आता है हमारा, He said to me, कॉमन वेट कॉमा, राम went to आगरा फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, तो क्या कहेंगे हम, He told me that Rama had gone to आगरा। देखो अगर ध्यान दोगे आप लोग तो मैंने क्या लिखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, या मैंने एक बात बताई थी सेकंड फॉर्म में क्या बदलेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बदलेंगे, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, अगर हम पास्ट परफेक्ट बदलते तो वो उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। अब तीसरा वाक्य आता है हमारा, सीता said कोमा नट कोमा, राम is coming from Delhi,
ठीक है ना। तो सीता सैड दैट रामा वाज कमिंग फ्रॉम में आप लोगों की, ठीक है ना। नेक्स्ट टेंस आता है हमारा द टीचर सैड कॉमन विद कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन विथआउट कॉमा क्लोज। टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सत्य घटना पर आधारित है। तो सत्य घटना पर मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन पर आधारित अगर बाकी है, तो भले आपका रिकॉर्डिंग पर पास्ट टेंस में हो, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन पर आधारित वाक्य हो, तो भले ही आपकी पास्ट में है तो ये टेंस नो चेंज है। बताई थी बात। तो द टीचर सैड दैट द अर्थ मॉव्ड राउंड द सन। एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर स्टॉप कोमा क्लोज। तो क्या करेंगे इसमें हम, ही सैड दैट, ये क्या हो रहा है, एक्शन पर आधारित वाक्य ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ये भी चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है ना। अब सिक्स वाक्य आता है आपका, ही सैड कोमा कोमा He had done his work. Full stop, comma, close. So he said that he had done his work. ये भी नो चेंज रहेगा आपका। Past perfect और past perfect continuous tense में नो चेंज लिखा, अगर आप जो मुझे देख सकते हैं कल की वीडियो में, जो सेकंड वीडियो है आपकी, तो उसमें जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज रहता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के जो असर्टिव सेंटेंस पढ़ाए जा रहे वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है ना। अभी पहला भाग खत्म हुआ आपका, दूसरा भाग जो कल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ध्यान को पढ़ोगे और मेहनत से पढ़ो और एक एक वर्ड जो है ध्यान से देखो, घर पे इसका अध्ययन करो और इसे शेयर अवश्य करो, ताकि दूसरे व्यक्ति इसका लाभ उठा सके जो बेचारे गरीब है, पैसा उनके पास नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप वीडियो उन पर भेजोगे, शेयर करोगे, तो आपके सारे से वो फायदा उठा लेंगे, कुछ सीख जाएंगे।